अब हम बात करेंगे अबाउट नेडोलोल एंड टिमोलोल, ठीक है। ये भी बीटा ब्लॉकर्स हैं और ये भी नॉन सेलेक्टिव हैं। अब नॉन सेलेक्टिव देखो कौन कौन से, अब मैं ना अपनी एक लास्ट सारे के साथ जब बीटा ब्लॉकर्स हो जाएंगे तो लास्ट पे एक समराइज वाली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से सेलेक्टिव कौन से थे, नॉन सेलेक्टिव कौन से थे, ठीक है, और आपके पास मिक्सड कौन से। अब मिक्स तो नहीं कह रहे, नॉन सेलेक्टिव हो गए, चलो ठीक है। फिर आपके पास देखो नॉन सेलेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि बीटा वन पे भी एक्ट करेंगे, बीटा टू पे भी एक्ट करेंगे, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल कर रहा था, बट दे आर मोर पोटेंट देन प्रोप्रेनोलोल, ठीक हो गया। अब ये है कि नेडोलोल के बारे में ये बताया है कि इसका वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, नेडोलोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में ये बात है। नेडोलोल के बारे में सिर्फ यही बताया हुआ है। और जो टिमोलोल है ना, टिमोलोल आपके पास क्या करता है, टिमोलोल एक्यूस ह्यूमर की प्रोडक्शन काम करेगा, जिसकी वजह से इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं, टॉपिकली यूज्ड फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। तो आपने टिमोलोल का या जो है वो फंक्शन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, और वो भी कौन सा वाला, क्रॉनिक, ठीक है। अब जो हम बीटा ब्लॉकर होते हैं वो क्रॉनिक ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, जो एक्यूट होते हैं उसमें अभी भी हम क्या देते हैं, पिलोकार्पिन, ठीक है। एक्यूट वन होगा तो पिलोकार्पिन याद रखने, वो इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस है, इमरजेंसी कंडीशंस में क्या देंगे, पिलोकार्पिन। अगर क्रॉनिक ग्लूकोमा है ना, फिर आपने क्या देने हैं, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। चलो ये बात होगी कि इसमें यूज़ हो रहा है। अब ये कैसे एक्वस ह्यूमर को कम करवाएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास सीलरी बॉडी होती है, सीलरी बॉडी में होते हैं बी टू रिसेप्टर्स। अब ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है, इन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देगा सीलरी बॉडी ने, क्या बना दो एक्वस ह्यूमर, जब ये रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, इसलिए आपके पास ये क्या करेगा, ग्लूकोमा को ट्रीट करेगा। अब हमारे पास एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है। वैसे तो हम इसको एक सेपरेट जो है वो वीडियो में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, बट इसके अभी हमें क्या पता होना चाहिए कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन से ड्रग लेते हैं। टिमोलोल लेते हैं, ठीक है, ये तो नॉन सेलेक्टिव है, ये भी हमें पता है। और उसके अलावा हम कौन कौन से लेंगे, एक होता है हमारे पास कार्टियोलोल, देन हमारे पास होता है लिवो बिनोलोल, एंड हमारे पास हो जाता है मेटी प्रेनोलोल, और एक और है हमारे पास बेटेक्सोलोल। ये सारे के सारे ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हम ग्लूकोमा के लिए लेते हैं। टिमोलोल है आपके पास, कार्टियोलोल है, लेवोबिनोलोल है, और मेटीप्रेनोलोल है। ये सारे के सारे, इनमें से आपके पास जो ये वाले चार, पहले वाले चार है ना, दे आर नॉन सेलेक्टिव, और जो बेटेक्सोलोल है ना, दिट इज़ बीटा वन सेलेक्टिव, ठीक है। ये सारे के सारे हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बट पहले वाले चार आपके पास नॉन सेलेक्टिव हैं, आखिरी वाला बीटा वन सेलेक्टिव होता है। और आपके पास ये होता है कि ये वाले ड्रग्स जब हम देते हैं ना, ना तो ये आयरिस प्यूपिल के साइज में कोई डिफरेंस इनमें से क्रिएट कर रहे होते हैं, ना ही आपके पास आई के फोकस को ख़राब कर रहे होते हैं, जैसे कि कोलिनर्जिक, क्योंकि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जब हम देते हैं ना, तो वो मिडियासिस या मिटोसिस वगैरह भी करवा रहा होता है, मियोसिस वगैरह, या वो जो है ना, मतलब ये पीपल का साइज चेंज हो गया, या वो आई का फोकस ख़राब कर देते हैं, इनमें ऐसे कोई सीन नहीं होता। उसके अलावा इनका ऑनसेट क्या है, ऑनसेट टाइम इनका ये होता है 30 मिनट्स, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, काम करते हैं फॉर 12 to 24 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। और अभी मैंने आपको बताया क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए हमें यूज़ करते हैं, क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है, क्रॉनिक मैनेजमेंट, क्योंकि एक्यूट वन के लिए अभी भी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पिलोकार्पिन। क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स। एक्यूट वन के लिए अभी भी हमारे पास कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट मौजूद है, विच इज़ पिलोकार्पिन। ये हो गया हमारे पास नेडोलोल एंड टिमोलोल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स हैं वो हैं लेबिटेलोल एंड कार्बिडोलोल। अब लेबिटेलोल और कार्बिडोलोल के बारे में क्या ख़ास बात है, ये ख़ास बात है, वैसे तो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, बट इन ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये बीटा ब्लॉकर्स कौन से वाले, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये भी नॉन सेलेक्टिव हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव होने के बावजूद अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं, और कौन से वाला अल्फा रिसेप्टर, अल्फा वन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बीटा रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक किया इन्होंने, हार्ट रेट कम किया, कार्डिक आउटपुट वगैरह कम किया, ठीक है, ये सब कुछ कर दिया, और अल्फा वन को कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पेरिफेरली वेजो डायलेशन भी करवा देनी है।
देखो यूज़ इसे हम कर रहे हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में, ठीक है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं। और देखो ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जिनमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज हो जाना इज़ अनडिज़ायरेबल। देखो अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स पे अगर ये ना करें, सिर्फ उसे बीटा रिसेप्टर्स पे कर रहे हैं, वो सिर्फ उसे हार्ट रेट कम होकर, हमें पता है कि बीटा रिसेप्टर्स जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, बीटा ब्लॉकर्स पेरिफेरली आपको वेजो कंस्ट्रक्शन ही करवाते हैं क्योंकि वो बीटा टू को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जिनमें वेजो कंस्ट्रक्शन होना या पेरिफेरली जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होना इज़ अनडिज़ायरेबल, उनमें हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि अल्फ़ा वन को भी साथ साथ ब्लॉक कर दें और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर दें और हाइपरटेंशन को ट्रीट कर दें, ठीक है। ये तो हमने इन दोनों की बात कर दी। अब जो कार्बिडोल है ना, इसका एडिशनल फंक्शन ये होते हैं कि लिपिड की जो परऑक्सीडेशन है ना उसको ये डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। लिपिड की परऑक्सीडेशन एक तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, फर्दर आपके पास जो वेस्कुलर वॉल्स जो होती हैं ना, हमारे जो वेजल्स की जो वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग को भी प्रिवेंट करेगा, ठीक हो गया। तो इसके बेनिफिट मतलब देखो, एक तो परऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा, वेस्कुलर वॉल्स को थिक नहीं होने दे रहा, मतलब उसकी इलास्टिसिटी रिटेन रख रहा है, तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे ना इसके हमारे हार्ट पे, ठीक है। देन आ जाता है इसका जो है थेरापूटिक यूजेस। थेरापूटिक यूजेस अगर हम लेबिटलॉल के बारे में बात करें ना, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस जो हाइपरटेंशन होती है ना उसमें हम लेबिटलॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम मिथाइल डोपा भी यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, दो ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक तो होती है हमारे पास मिथाइल डोपा देन लेबिटलॉल, इनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देन आपके पास लेबिटलॉल को इंट्रावेनस देते हैं फॉर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, वो भी एमरजेंसी कंडीशन में, मतलब आपने एमरजेंसी या फ़ौरन से हाइपरटेंसिव पेशेंट से एमरजेंसी की कंडीशन है, आपने उसके बीपी टूवर्ड्स नॉर्मल लेके आना है, तो आप इंट्रावेनसली आप क्या दे दोगे, लेबिटलॉल दे दोगे, ये बात हो गई। क्योंकि रैपिडली आपके पास क्या कहता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट तो हमारा थेरेप्यूटिक यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब ये बात होती है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं, हार्ट को जो फेलियर है एक्यूट, उसकी भी एग्जैसबेशन हुई हुई है, क्या हुई है, एग्जैसबेशन हुई हुई है, एक्यूट हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, उनमें हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हार्ट फेल हो रहा है। जब हार्ट फेल हो रहा है तो उसको फर्दर हमने इनहिबिट क्यों करना है बीटा ब्लॉकर्स देके, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, हार्ट में इतना ब्रैडीकार्डिया होगा कि कार्डिक अरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। बट तीन ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हम दे देते हैं स्टेबल क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, बट स्टेबल का वर्जन रखना है, स्टेबल क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में तीन ऐसे ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन से, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल एंड आखिरी है कार्बिडोल। इनको हम दे सकते हैं स्टेबल क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में। अब आपके पास जो ड्रग्स थे इनके, जो लेबिटल और कार्बिडोल दोनों के दोनों आपके पास क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों को कर रहे हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। देखो अभी तक हमने बीटा ब्लॉकर्स के कोई एडवर्स इफेक्ट्स एज सच प्रोपैनोलोल के पड़े हैं, बाकियों के नहीं ना पड़े, तो इनमें जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुल जो है वो ब्लॉक करने वाले ही होंगे। क्या होगा वो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि ये आपके पास वेजो डायलेशन करवा रहा है जिसकी वजह से आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, मतलब होगी, एंड देन डिजीनेस। ऑर्थोस्टैटिक दो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस,